गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज मौसम देखिए कितना अच्छा रखा है और मैं अभी नहा के जस्ट बाहर आई हूँ, बस थोड़ा सा बाल सुखाने के लिए क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गीले थे। तो ये देखिए मेरे चेहरे पे एक थोड़ा सा पिंपल हो रखा है, तो मैं इसको दिखाने के लिए अभी जाने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। और आज देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा है, मतलब धूप कितनी प्यारी आ रखी है, पर सुबह के लिए ठीक रहता है क्योंकि अब इसके बाद बहुत ज़्यादा तेज़ की गर्मी लगने लग जाती है, तो ये अच्छा नहीं हुआ एक तरीके से। तो अभी क्या बोलते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में जाके देखते हैं क्या होता है। हॉस्पिटल में हम लोग विजय पंत के वहाँ पे जा रहे हैं, जो स्किन वाला डॉक्टर है, काफ़ी अच्छा है, सुना है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड गए हुए हैं। अब देखते हैं बाकी डॉक्टर क्या कुछ बोलते हैं, आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा हो रखा है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं हो रखा है। और हमको हॉस्पिटल से आते वक्त हमें हमारी प्यारी सी पड़ोस की बच्ची मिल गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के पास जब दिखाने के लिए गई थी, स्किन वाले डॉक्टर के, यहाँ पर मुखाने से थोड़ा नहीं सॉरी पीलीकोटी के ऊपर पे है विजय बंद करके स्किन वाला डॉक्टर है, वो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने बताया कि क्या बोलते हैं, कुछ नाम बताया उन्होंने, मुझे नाम उसका याद आ नहीं रहा है, पर उन्होंने कहा था कि क्या बोलते हैं, इसको आप सर्जन के पास दिखाइए क्योंकि हम लोग दूसरी तरीके से इसको निकालते हैं, तो आप सर्जन के पास जाइए और सर्जन ही इसको भी ठीक कर पाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग दिन में सर्जन के पास गए थे। हम लोग ये मुखाने से थोड़ा सा नीचे पे है हॉस्पिटल, मोहन जोशी कुछ ऐसे ऐसी है, और डॉक्टर फ्लोरिया को दिखाया था हमने। तो उन्होंने बताया कि क्या बोलते हैं, आप वैसे ये ठीक होने वाला है नहीं, तो आप इसको 1 महीने के बाद आना जब ये मैं इसको ठीक करूँगा करके। तो इसलिए अभी 1 महीने के बाद हमें वहाँ पे जाना है फ्लोरिया के पास, डॉक्टर फ्लोरिया जी के पास। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद ये ठीक हो पाएगा, अभी ठीक नहीं हो पाएगा, और जैसे जैसे एज मतलब हमारे दिन बढ़ते रहेंगे, मतलब हमारी एज बढ़ती रहेगी, उस हिसाब से ये भी बढ़ता रहेगा, ये ठीक ऐसे नहीं होने वाला है। कुछ नाम तभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी जब मुझे नाम याद आ जाएगा कुछ। तो इसलिए आगे को ब्लॉग देखते रहिए, मैं बस इतना बताना चाहती थी इसमें डॉक्टर ने क्या बताया करके इसलिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग हॉस्पिटल मतलब सॉरी क्लिनिक से आ गए थे। तो उसके बाद यहाँ पे गीता भी है रूम पे हमारे साथ, देख से हम लोग खाने की तैयारी भी कर रहे हैं, और साथ हम लोग अंगूर भी लेके आए थे। तो अंगूर अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रखे थे क्योंकि बाहर बहुत धूप बहुत तेज़ है, तो इसलिए तो मैं सोचा क्यों ना एक फ्रिज का पानी और जो ये बर्फ़ जमी हुई थी, तो इसको बर्फ़ को इसमें डाल देते हैं, तो इससे अंगूर ठंडे हो जाएंगे। फिर ठंडे जब हो जाते हैं तो तब खाने में अच्छा भी लगता है, इसलिए मैंने सारे इसमें फ्रिज के जो आइस जमी हुई थी सब इसी में डाल दी है मैंने, देखिए। तो गाइस अभी ये देखिए गर्ली आई हुई है हमारे रूम पे और वो नींबू पानी पी रही है, और ये गीता और हिमानी। अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, अभी शाम का टाइम हो रहा है, हल्की हल्की धूप है और अच्छे सा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। ऐसे मौसम में बाहर को निकलना अच्छा होता है ये, पर यहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग साथ ही जा रहे हैं, तो थोड़ा आगे को चल के मिलते हैं आप लोगों से, पर ये रोड बहुत ही गंदी हो रखी है, आप लोग देख सकते हो जैसे। हम लोग रूम पे पहुंच गए हैं, अभी हम लोग घूमने के लिए गए थे, आधा पौन घंटा हो गया हम लोग टहलते हुए। तो इसके बाद हम लोग सीधे रूम पे पहुंच गए हैं, आप लोग देख सकते हैं ये लोग नमकीन खा रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग शाम का खाना बनाने की तैयारी करेंगे, तब तक के लिए आप मेरे ब्लॉग पे ऐसे ही बने रहिए, और क्या कुछ होता है इस ब्लॉग पे आप लोग देखते रहिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोगों को मेरे वीडियो और ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना। हाय हाय, बंद करना है वो। अरे 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 तो होशियार जो। अरे 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 यहाँ है अम्मा, आओ।
तो फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम हो रहा है। मैं मेरी बहन मतलब मैं हिमानी गीता हम तीनों जने घर से जो आलू आए थे उनको उबाल के खा रहे हैं, क्योंकि ये घर के जो आलू होते हैं बहुत टेस्टी होते हैं नमक के साथ। मम्मी ने नमक भी पिसवा के भिजवा रखा था हमारे लिए, और ये हम लोग दूध के साथ खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये वीडियो और ये ब्लॉग यहीं तक का था, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।